हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी हमारे कंप्यूटर में जो फोल्डर है या फिर हमारी फ़ोटोज़ हैं, कोई भी चीज़ है हमारा जो वो डिलीट हो जाता है, हम उसको ये देखिए जो डिलीट हमारी फ़ोटोज़ है उसको रिसाइकल पिन से रिकवर कैसे कर देते हैं, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर दो चार जो फोल्डर हैं, हमारे यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 हमारे जो फोल्डर्स हैं वो हमारे पास थे जो कि हमारे डिलीट हो चुके हैं, उसको हम रिकवर कैसे करते हैं तो उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि है हमारा रिसाइकल बिन जो कि हमें क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपको ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम रिकवर कैसे करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हमारे ये जो 3 फोल्डर हैं, मेरे पास तो 3 ही फोल्डर हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फोल्डर्स होते हैं, जैसे कि किसी के पास बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, अगर आप ये चाहते हैं जैसे कि आप चाहते हैं कि हमें एक एक करके सिलेक्ट करना है, जैसे कि आप चाहते हैं कि हमारे पास, मेरे पास तो 3 है, जैसे कि आपके पास 10 फाइलें हैं, 10 में से आपको कोई 8 चाहिए या फिर 5 चाहिए, तो आप जिसको भी जो भी फोल्डर को सिलेक्ट करना है आपको एक एक करके करना है तो एक एक करके आप कर सकते हैं। पहले आपको कंट्रोल दबाना है, जो हमारा जो कीबोर्ड है उसमें से आपको पहले कंट्रोल दबाना है। कंट्रोल दबाते ही आपको माउस से लेफ़्ट क्लिक करना है, जो जो आपको फ़ोटो या वीडियो चाहिए या ऐप चाहिए उसको और आपको कंट्रोल दबा के ही रखना है, तब में हमें करना है। ये देखिए ऐसे एक एक करके सिलेक्ट करना है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको ऑल सेलेक्ट करना है, ऑल सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल ए से आपको कर सकते हैं। जैसे कि आपको सब कुछ, जैसे कि आपकी बहुत सारी फोल्डर्स हैं उसमें वीडियोस भी हैं, फ़ोटोज़ भी हैं और ऐप्स भी हैं, तो हमें सभी चाहिए वापसी, तो हम उसे कंट्रोल ए कर देंगे, यानी कि सभी को हम सेलेक्ट कर देंगे और हमें उसे वापसी ले आएंगे। जैसे कि एक एक करके करना चाहें तो ला सकते हैं, और वरना आप माउस से भी सिलेक्ट सभी को कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास तो 3 है, लेफ़्ट बटन को दबा के ही रखना है माउस के जब तक हम पूरे ऐप पर ना पहुँच जाएँ। जैसे कि मैंने तीनों को सिलेक्ट कर दिया, इसी तरीके से आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं माउस के द्वारा भी। और ये देखिए हमें माउस से राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट करते ही हमें आपसे माउस से जो है वो राइट क्लिक करना है। ये देखिए जैसे हम एक एक करके करना चाहें तो एक एक करके भी कर सकते हैं। ये देखिए रीसेट हो गया, ये देखिए हमारा ये भी रीसेट हो गया और ये भी, ये देखिए इसे भी हम रीसेट कर देते हैं। याद रखिए पहले सेलेक्ट करना है हमें, हम माउस से करना चाहते हैं तो ये देखिए हमारा जो सारा हम यहाँ से कट करेंगे, कट करते ही आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखिए ये वाला फोल्डर भी हमारा वापसी आ गया, जो फ़ोटो वाला फोल्डर है वो भी हमारा दोनों वापसी आ गया है। ये देखिए हमारे ये जो दोनों फोल्डर हैं ये, इस पर हमारी जो फ़ोटोज़ हैं वो अंदर इसमें थी जो कि हमारा ये डिलीट हो चुका था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।